ए सॉलिड स्फेयर इज सेट इन टू मोशन ऑन ए रफ हॉरिजोंटल सरफेस विथ ए लीनियर स्पीड भी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड एन एंगुलर स्पीड भी बाई आर इन द एंटी क्लॉग वाइज डायरेक्शन एस सोन इन फिगर ठीक है सो लीनियर स्पीड भी राइट डायरेक्शन में है और एंटी क्लॉग वाइज डायरेक्शन में इसका ओमेगा है दैट इज इक्वल टू भी बाई आर ये इसको सेट किया गया ठीक है फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द स्फेयर पार्ट ए वेन इट स्टॉप्स रोटेटिंग जब ये रोटेटिंग स्टॉप कर देगा और सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है वेन स्लीपिंग फाइनली सीजेज एंड प्योर रोलिंग स्टार्ट जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा उस केस में आपको लीनियर स्पीड निकालना है ठीक है सो अगर प्योर रोलिंग होगा तो उस केस में भी इक्वल टू ओमेगा मेगा होगा ठीक है ओके सो देखिए किस तरह से इसको निकालेंगे सो so, जब बोला जाता है कि इसका रोटेशन स्टॉप हो गया सो रोटेशन स्टॉप हो गया डैट मीन्स उसके पास क्या है सिर्फ और सिर्फ सेंटर का लीनियर वेलोसिटी है इसको राउंड कर लीजिए राउंड तो मेरा नहीं बना ठीक है सेंटर का लीनियर स्पीड मान लेते हैं भी डैस है ठीक है सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इस और इस केस में लगाइए इस दोनों पार्ट में सो इस पार्ट में क्या होगा देखिए एम भी आर ठीक है अब ओमेगा का डायरेक्शन क्या है रिवर्स है भी जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में होना चाहिए था जैसे मान लीजिए अगर प्योर रोलिंग होगा ठीक है सो उस केस में क्या होगा भी अगर इस तरह से है सो ईच एंड एवरी पॉइंट का भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और ओमेगा इस तरह से होना चाहिए कि इस पॉइंट का पीछे जाने का टेंडेंसी होना चाहिए और ये ओमेगा आर ठीक है सो डैट जितना ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आगे जाएगा उतना ये पीछे की तरफ जाएगा सो डैट भी इक्वल टू ओमेगा आर ये हमेशा होना चाहिए अगर भी इक्वल टू ओमेगा आर नहीं है ठीक है सो ये क्या है ये प्योर रोलिंग नहीं है नॉट प्योर रोलिंग नॉट प्योर रोलिंग ठीक है ये प्योर रोलिंग नहीं है नीचे वाला अगर ऐसा है तो बट ये केस जो है दिस इज फॉर प्योर रोलिंग प्योर रोलिंग है सो भी इक्वल टू ओमेगा आर होना चाहिए सो डैट यह पर पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा बी प्लस ओमेगा है डैट मीनस टू भी ठीक है सेंटर का फॉरवर्ड में भी और यहाँ पर भी इक्वल टू ओमेगा ठीक है इस तरह से होना चाहिए बेसिक है ये रोटेशन का ठीक है सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है स्टॉप रोटेटिंग मतलब यहाँ पर ओमेगा जीरो हो गया ओमेगा डैस इक्वल टू जीरो ठीक है सो सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या है लीनर वेलिवर्सिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी डैस है ठीक है सो so, दोनों सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं सो so, यहाँ पर क्या हो जाएगा एम वी आर इस वी के लिए देन आई ओमेगा सो रिवर्स डायरेक्शन में है ना सो इट इज़ माइनस आई ओमेगा ठीक है इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा एम वी डैस आर बस ठीक है सो so, देख लीजिए ये एम वी आर माइनस आई टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर और ओमेगा क्या गिवेन है वी बाई आर ठीक है सो इट इज वी बाई आर सो इट इज़ एम वी डैस आर ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं सो so, क्या हो जाएगा थ्री बाई फाइव एम बी आर इज इक्वल टू एम भी डैस आर सो एम आर देखिए बहुत साइड में कैंसिल हो गया सो भी डैस का जो वैल्यू आएगा डैट इज थ्री बाई फाइव भी मीन्स जब स्फ़ेयर रोटेशन स्टॉप कर देगा और सिर्फ और सिर्फ उसके पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगा बी डैश सो बी डैस का वैल्यू थ्री बाई फाइव भी होगा ठीक है देन फाइनल केस में आपको निकालना है जब स्लीपिंग सीजेस और प्योर रोलिंग उसका स्टार्ट हो जाएगा सो प्योर रोलिंग अगर स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास का सेंटर का वेलोसिटी वी वन है और ये ओमेगा ओमेगा वन हो गया सो डैट ओमेगा वन इक्वल टू वी वन बाई आर ठीक है ये पॉइंट आगे की तरफ भी वन और बैक की तरफ ओमेगा वन आर सो डैट वी वन इक्वल टू ओमेगा वन आर ऐसा हो गया ठीक है सो so, आपको क्या करना है इस सिचुएशन और इस सिचुएशन के बीच में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आपको लगा देना है सो so, इसका तो हम लोगों ने यहाँ निकाल के रखा है ठीक है सो ये हो जाएगा एम वी आर माइनस माइनस टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर आई ओमेगा लिख लीजिएगा रिवर्स डायरेक्शन में है सो माइनस इनटू वी बाई आर इक्वल टू एम वी वन आर प्लस आई ओमेगा वन सो इसका वैल्यू हो जाएगा एम वी वन आर प्लस टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर ठीक है और ओमेगा वन क्या हो जाएगा वी वन बाई आर ठीक है सो इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए ये आपका आ जाएगा सेवन बाई फाइव ओके एम भी वन आर और ये लेफ्ट साइड वाला आएगा थ्री बाई फाइव एम भी आर ठीक है सो हमारे पास क्या आ रहा है थ्री बाई फाइव एम भी आर इज इक्वल टू सेवन बाई फाइव एम भी वन आर ठीक so, है सो देखिए भी वन का वैल्यू क्या आएगा इट इज थ्री बाई सेवन भी ठीक है वी वन इट इज थ्री बाई सेवन फाइव कैंसल आउट थ्री बाय सेवन बी मीन्स जब प्योर रोटेशन इसका स्टार्ट होगा ठीक है उसके उस केस में जो भी वन इसमें डेवलप होगा वी वन का वैल्यू लीनियर स्पीड का वैल्यू डैट इज थ्री बाई सेवन टाइम्स दिस भी ये इसका आंसर होगा ठीक है और इस क्वेश्चन को बनाना एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से सबसे इजी है ठीक है और अगर इसमें टाइम पूछेगा सो so टाइम के लिए फिर फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा बी इक्वल टू यू प्लस ए वाला सो so वहाँ पर एक्सलेशन क्या हो जाएगा सॉरी म्यूजी ठीक है माइनस म्यूजी हो जाएगा एक्सलेशन ठीक है